क्वेश्चन नंबर थ्री जो है इंटीग्रल्स की एक्सरसाइज 7.4 से लिया गया है, जिसमें वन अपॉन में अंडर रूट टू माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वन का आपको इंटीग्रेशन करना है। तो इसमें जैसा कि आपको दे रखा है कि न्यूमरेटर में जो है वन है और डिनोमिनेटर में स्क्वायर रूट ऑफ टू माइनस एक्स स्क्वायर है और प्लस में वन है। तो इसके अंदर जो है आपको क्या करना है कि 2 माइनस एक्स स्क्वायर को आपको सपोज कर लेना है, और ये जो है आपका इस तरह से हो गया। आप इस 2 माइनस एक्स स्क्वायर को एक वेरिएबल टी के इक्वल मान लेंगे, और इसको जो है टी के इक्वल मानकर इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, तो ये बहुत ही आसानी से क्वेश्चन हो जाएगा। तो जैसा कि आप देख रहे हैं 2 का डिफरेंशिएशन 0 और x का जो है वो dx हो जाएगा, तो माइनस के dx इज इक्वल टू dt हो गया। इसका मतलब dx जो है वो नेगेटिव ऑफ dt हो जाता है। तो अब हमारा इंटीग्रेशन जो है जो हमने करना था वो चेंज हो गया है, और इसमें जो है हमारा इंटीग्रल बन गया 1 अपॉन में स्क्वायर रूट ऑफ टी स्क्वायर प्लस 1, और dx की जगह dt आ गया और माइनस का, तो माइनस को बाहर लगा दिया। अब जो है आपके पास ये जो है 1 अपॉन में स्क्वायर रूट ऑफ टी स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर भी आप इसको कह सकते हैं, 1 को 1 का स्क्वायर। तो यहाँ जो फार्मूला लगाना है वो इस प्रकार है कि इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन में स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर dx जो है वो जो है आपका होता है लॉग मोड एक्स प्लस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो इस वाले फार्मूले को आप यहाँ पर यूज़ करेंगे, और तो इससे जो है आपका इंटीग्रेशन हो जाएगा, माइनस जो बाहर था वो एज इट इज़ लिख देना है, और ये हो जाएगा लॉग फिर टी स्क्वायर प्लस वन, यहाँ पे एक्स की जगह टी है और ए की जगह वन है, तो आप लिखेंगे लॉग मोड और एक्स की जगह आपने क्या लिखा टी, और प्लस में स्क्वायर रूट फिर यहाँ पे टी स्क्वायर और प्लस में वन का स्क्वायर यानी के वन लिख देंगे, और एक कांस्टेंट सी बार लगा देंगे। अब क्योंकि लॉग जो है इसकी वैल्यू टी में ये दे रहा है वैल्यू, जबकि हमारे क्वेश्चन में एक्स है, तो हमने टी को एक्स से रिप्लेस कर देना, टू माइनस एक्स यहाँ लगा देंगे टी की जगह, तो हो जाएगा माइनस के लॉग मोड ऑफ टू माइनस एक्स प्लस में टू माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वन, और बाहर कांस्टेंट सी आ गया। अब क्योंकि नेगेटिव साइन है इसीलिए जो मोड के अंदर लॉग के बाद दे रखा है इसे वन अपॉन करके लिख देंगे, तो ये हो जाएगा लॉग मोड ऑफ वन अपॉन में टू माइनस एक्स प्लस में स्क्वायर रूट ऑफ टू माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वन, और प्लस का कांस्टेंट सी, यही इसका आंसर है। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आ गया होगा। आप इसका लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और मेरे चैनल द मैथ्स गुरुदेव को सब्सक्राइब करें, और लिंक में जा देखने के लिए डिस्क्रिप्शन